हेलो फ्रेंड्स, सीमा भाटी अपना किचन अपनी रेसिपी में आपका स्वागत है। बहुत प्यारी लोंजी बनी है ये पीन खजूर और दाने की। तो आइए देखते हैं किस तरह हमने ये लोंजी बनाई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये हमने एक कटोरी पीन खजूर ली है, आधा कटोरी मूंगफली के दाने और 5-6 हरी मिर्ची। अब हमें पीन खजूर को धोकर उनकी गुठलियाँ निकालना है, मूंगफली के दाने को सेक कर उनके छिलके निकाल कर उसे दरदरा पीसना है और हरी मिर्ची के डंठल निकाल कर 1-2 टुकड़े करने हैं। ये हमने पीन खजूर के बीज निकाल लिए हैं और दानों को सेक कर उनके छिलके निकाल कर एक बेलन से इस तरह दरदरा करा है और हरी मिर्ची को इस तरह से काट कर बीच में से 2 टुकड़े करे हैं। अब हम लोंजी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये हम 2-3 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे, फिर उसमें डालेंगे जीरा, ये राई और एक खड़ी मिर्ची, एक चुटकी हींग, ये आधी चम्मच मेथी दाना और कलौंजी ली है, दरदरी की हुई सौंफ, अब ये हरी मिर्ची, अब इसमें डालेंगे ये 3 खजूर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 खजूर को थोड़ा पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली के दाने। हल्दी पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, काला नमक और ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप नींबू भी ले सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये 1 कप पानी डालकर इसको ढक देंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं। ये लोंजी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें मीठा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि पीन खजूर पहले से ही मीठी है, लेकिन अगर आप और मीठा पसंद करते हैं तो इसमें गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैंने लोंजी को एक बाउल में निकाल लिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।